नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। हरियाणा के करनाल के थाना सदर के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, थाना सदर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक व्यक्ति मेरे साथ यहां पर खड़े हुए हैं। अंबाला के ये व्यक्ति रहने वाले हैं। मामला मैं आपको पूरा का पूरा बता देती हूँ। बहुत सारे बार इस तरीके से हमने कंप्लेंट्स देखी है कि सड़क पर जो है लूटपाट होती है, सड़क पर लुटेरे घूम रहे होते हैं रात के समय में, लेकिन यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा अजीब है। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि दिन दहाड़े पिस्टल दिखाकर लूट करने की कोशिश की गई है लुटेरों द्वारा। चार वो लुटेरे थे, स्विफ्ट गाड़ी में वो सवार थे। अंबाला से ये व्यक्ति अपनी गाड़ी में पानीपत जा रहे थे और पीछे से एक स्विफ्ट गाड़ी आती है जिसमें चार लोग मौजूद थे और उन्होंने इनको डराने की कहीं ना कहीं कोशिश की, इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुके। क्या कुछ पूरा मामला हुआ, ये दिन दहाड़े का मामला है और यही रंबा फ्लाईओवर के पास का ये मामला है। क्या कुछ बातचीत इनके साथ कर लेते हैं एक बार कि क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय यादव है। मैं सुबह 10 बजे अंबाला से निकला था, मैं पानीपत जा रहा था। रास्ते में पीछे स्विफ्ट गाड़ी आई, उन्होंने मेरे को हाथ दिया, रुकने का इशारा किया। मैंने अपनी गाड़ी स्लो करके उनसे बोला, हाँ जी बोलिए। तो उन्होंने बोला गाड़ी साइड लगाओ। मैंने उनसे रीज़न पूछा, रीज़न क्या है, किस लिए लगाऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं लगानी पड़ेगी। दो बंदे गाड़ी में थे, दो बंदे आगे थे, दो बंदे पीछे बैठे थे, उनके हाथ में हथियार थे। तो उन्होंने कहा गाड़ी लगानी पड़ेगी, तो मैंने नहीं लगाई, मैं पीछे लगा था। उन्होंने 4 किलोमीटर मेरा पीछा किया। अच्छा। मैंने 4 किलोमीटर पीछे आए मेरे, मैं 100 नंबर फ़ोन किया। 100 नंबर ने मेरे को बोला कि आप ITI चौक पे पहुंचिए, वहाँ जिप्सी खड़ी है। अच्छा। मैं जिप्सी का पहुंचा, तो जैसे ही मैं पहुंचा उन्होंने वो यू टर्न हो गए, वहाँ से वापस आ गए पीछे से। उन्होंने मेरे को उन्होंने मुझे ये बोला कि कहाँ तक जाएगा, आगे हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी है। उन्होंने बोला कि आगे हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी है, आप कहाँ तक जाओगे? उसके बाद सदर थाने कंप्लेंट करी, हमारी ये बात हुई। तो ITI जब आप पहुंचे वहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद थी। हाँ, पुलिस की टीम मौजूद थी। उन्होंने मेरे को सदर थाने का एड्रेस बताया, तो मैं सदर थाने गया वहाँ। तो शिकायत आपने अब दर्ज करवा दी है? शिकायत दर्ज नहीं करी, उन्होंने बोला कि हमारा एरिया नहीं पड़ता। हाँ। आपका रंबा हुआ तो रंबा जाना पड़ेगा। तो गाड़ी का नंबर आपको याद है, किस गाड़ी में वो सवार? गाड़ी अपनी स्पीड, गाड़ी का स्पीड बढ़ाने चक्कर में नंबर नहीं दे पाया। गाड़ी आपके साथ साथ चल रही थी, स्विफ्ट गाड़ी थी। 3-4 किलोमीटर पीछे आए मेरे वो, 3-4 किलोमीटर पीछे गए। कितने लोग थे उसमें? 4 लोग थे। चार लोग थे, तो किस तरीके से उन्होंने डराने की कहीं ना कहीं कोशिश की? मैम उन्होंने बहुत धमकाया कि अपना गाड़ी साइड लगाओ, लगानी पड़ेगी। उन्होंने हथियार थे उनके पास, उन्होंने कहा कि गाड़ी साइड लगाओ। मैंने नहीं लगाई। क्या कुछ हथियारों में था? मैम मेरे को जो मैं स्पीड में था, मेरे को एक पिस्टल टाइप दिखी थी उनके पास। मैं अपनी स्पीड में लगा के अपनी गाड़ी ना उनका नंबर नोट किया, मैं अपनी गाड़ी स्पीड में लगा के आगे निकल गया। तो लुटेरे कहीं ना कहीं वो थे? हाँ, जो बाय फेस जो लग रहे थे वो लुटेरे ही लग रहे थे। तो आप समझ सकते हैं। सर क्या नाम बताया आपने अपना? विनय यादव, यादव नाम है। और अंबाला से पानीपत की ओर जा रहे थे और इस तरीके से दिन दहाड़े, मैं आपको बता देती हूँ, चार लोग एक स्विफ्ट गाड़ी में सवार होते हैं। ये दिन दहाड़े की आज की घटना है, आज की यानी कि 5 फरवरी की ये घटना है। रंबा चौक जो कि तरावड़ी से आगे कट आता है रंबा की साइड, उस फ्लाईओवर के ऊपर ये पूरी की पूरी घटना हुई। ये पूरी के पूरे जो इनके साथ इनको डराने की कोशिश की गई, लूट करने की कोशिश की गई, लूटपाट की कोशिश की गई, लेकिन इनके द्वारा जो है गाड़ी रोकी नहीं गई। इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, इन्होंने समझदारी दिखाई, इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, 100 नंबर पर कॉल किया, पुलिस ने इनको सहयोग किया और पुलिस जो है पुलिस द्वारा इनको ये कहा गया कि आप जो है ITI चौक तक आइए, वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आपको मौजूद मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो लुटेरे थे उनको शायद ये बात मालूम पड़ गई थी, क्योंकि जो विनय यादव है उन्होंने अपनी गाड़ी तो नहीं रोकी थी, शायद उनको ये मालूम पड़ गया था कि आगे इनके द्वारा पुलिस को या फिर किसी और को इन्फॉर्म कर दिया गया है जो कि आगे रुके हुए हैं। सर कहाँ तक उन्होंने मतलब आपका पीछा किया और कहाँ पर? 4 किलोमीटर पीछे आए मेरे को। ऐसा कभी आपके साथ पहले कभी हुआ? ऐसे में महीने मेरी 15 से 20 दिन टूरिंग रहती है, आज पहली बार हुआ है। मेरा 15 साल से मैं चल रहा हूँ, आज तक पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखिए नेशनल हाईवे 44 पर जिस तरीके से विनय यादव ने बताया कि पहली बार उनके साथ हुआ है और उनकी गाड़ी काफ़ी ट्रैवलिंग में रहती है, काफ़ी वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ है। अंबाले से पानीपत ये जा रहे थे और यहीं पर रंबा फ्लाईओवर के ऊपर ये पूरा का पूरा मामला जो है रंबा फ्लाईओवर के ऊपर होता है, जहाँ पर चार लोग हैं। त्रावड़ी फ्लाईओवर है जहाँ पर चार लोग हैं, स्विफ्ट गाड़ी में आते हैं, पिस्टल दिखाते हैं, हथियार क्योंकि उनके पास होते हैं, और उसके दम पर इनको कहा जाता है अपनी गाड़ी पहले इनकी भी स्लो करवा लेते हैं और इनको कहा जाता है कि गाड़ी रोकिए वरना जो है वो पिस्टल दिखाते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो विनय यादव है उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और वो सीधा मूव करते रहे
लेकिन 4 किलोमीटर तक जो वो 4 लोग थे, जो 4 लड़के थे, वो स्विफ्ट गाड़ी में इनको फॉलो करते रहे, लेकिन शायद उनको ये पता लग गया था कि आगे कहीं ना कहीं पुलिस मौजूद हो सकती है, हम पकड़े ना जाएं, इस वजह से उन्होंने यू टर्न लिया और वो वहाँ से भाग गया। आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी, साथ के साथ इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए और अपना खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 का ये पूरा का पूरा मामला है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो अपना खास तौर पर ध्यान जरूर रखिए। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ करनाल के सदर थाने में इस वक्त हम मौजूद हैं। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद।